बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हम रोक रहे हैं बातिल को, हम रोक रहे हैं बातिल को, गोया ये हमारे साथ चले, ये रास्ता जन्नत जाता है, गोया ये हमारे साथ चले। काबिल एहतराम, वाजिब एहतराम, काबिल सर तकरीम अल्लाह मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुल आलिया, अराकीने खानदान आए हजरत दरखास्ती रहिमहुल्लाह, स्टेज पर मौजूद अकाबिर उलमा इकराम, ज़ुअमाए मिल्लत, ओहदेदाराने जमीयत उलमा इस्लाम, पिंडाल में मौजूद मेरे गैरतमंद, जुरतमंद, दिलेर और मुजाहिद साथियों, आज के इस अज़ीम शान तकरीब ख़त्म बुखारी के इनेकाद पर जामिया के इंतजामिया को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इरादे को क़यामत की सुबह तक शान और आबाद बनाने, फारिग़ तहसील होने वाले अजीज तलबाए किराम को, उनके असातिज़ा को, उनके वालिदैन को भी दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हज़रत दरखास्ती का हकीकी जानशीन बनाए। इस सिलसिले में मेरे बारे में जिन जज्बात का इजहार किया, मैं समझता हूं कि ये उनके ख्यालात हैं मेरे बारे में, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उनके तवक्कुआत पर और जमात के तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आज हम जिस निस्बत के साथ यहां खड़े हैं वो वाकई इतनी बड़ी निस्बत है कि अगर मैं ये आज कहूं कि हमारी ये गुफ्तगू, हमारी ये लफ्ज़कुशाई इन मदारस से तलबा का ये तालीमी सिलसिला, जमीयत उलमाए इस्लाम का ये कारवां हजरत दाखासी रहमहुल्लाह, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बेरवी, हजरत अमरोटी, हजरत आलेजवी रहमतुल्लाह अलैह के उन रियासतों का नतीजा है कि जिनके नतीजे में आज मदारिस के ये किले अपने आप और ताब के साथ खड़े हैं। आज इन मदारिस के अंदर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही है, तो ये इन अकाबिर उलमा के उन मेहनतों और रियासतों का नतीजा है, वरना इस कारोबार में कोई कमी नहीं की। दाढ़ी को ढोने में, पगड़ी को मिटाने में, मस्जिद और मदरसे को मिटाने में, लेकिन मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं, जब तक हजरत दाखासी का एक भी जानशीन जिंदा है, जब तक हजरत मुफ्ती महमूद का सियासी फारिस और जानशीन जिंदा है, कोई माई काल इन मदारिस की तरफ मेरी आंख से नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह ये मदारिस क़यामत की सुबह तक साथ और आबाद रहेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? कानपुर वाला है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? आपको शायद नहीं पता, मैंने पढ़ा है, ये मदरसा है। आपको शायद नहीं पता, लाउड स्पीकर वाले इसकी जरा तबीयत ठीक करें, ये लाउड की थोड़ी सी तबीयत ठीक कर ले। पहले ठीक था, अभी थोड़ा सा बुखार हो रहा है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये वो मरकज था जिस मरकज से हजरत दाखास्ती के सदारत में हजरत मुफ्ती महमूद के क़यादत में तकबीर के नारे बुलंद होते थे। इस मरकज से पाकिस्तान की, इस्लाम की, ख़त्मे नबूवत की, नामों-ए सहाबा की, मस्जिद और मदरसे की, दाढ़ी और पगड़ी की जंग लड़ने की मंसूबाबंदी होती थी। आज हम हजरत दाखास्ती के रूह से ये वचन वादा करते हैं कि एक मरतबा फिर इस्लामा मदारिस की तरफ मेरी आंख से देख रहा है, लेकिन मदारिस की तरफ उठने वाले मेरी आंखों को जमी जब के ये नौजवान छोड़ कर रख नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत उलमा इस्लाम, अल्लामा राशिद खान महमूद सोरो, नारे तकबीर। आपके अल्लाह हु अकबर के जवाब से मुझे अंदाजा लग गया है कि मैं हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद खान साहब जो सुबह 8 बजे से आए हुए और हजरत हैदरी जिन्होंने सुबह से बाय रोड इस्लामाबाद से खानपुर का सफर किया और यहाँ पहुंचे हैं, और वीडियो लिंक पर हजरत कायद मोहतरम मुंतज़िरुल आली आपसे मुखातब होने के मुंतज़िर हैं। मेरा ख्याल ये है क्या काम है आपके तकबीर के नारे में हो? क्या आपके जज्बों पर भी थकावट है? आपके जज्बों पर भी थकावट है? आपके ख्यालात पर भी थकावट है? आपकी जुबान पर भी थकावट है? आप सारे ठहरे हैं, दबे हैं। हम इनको बतलाना चाहते हैं, न हम दबे हैं, न हम दे हैं, न हम थके हैं, न हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम तो हजरत काफी, हजरत अमरती, हजरत हालेजवी, हजरत बेरवी, हजरत मुफ्ती महमूद के वो कातिल हैं जो घरों से सरों से कफन बांध कर निकले हैं कि खत्म नबूवत के लिए जान देना पड़ी तो अपनी जान कुर्बान। ताजे तख्त खत्म नबूवत, ताजे तख्त खत्म नबूवत, शबीहुल इस्लाम। ये मेरे बगल वाले नहीं बोल रहे, वो भारत और बांग्लादेश वाले कहां से बोलेंगे? एक बात आपको बताओ, ये जो सामने बैठे हो आपको बताओ, इस जलसे में दो चार बंदे ऐसे होंगे, पगड़ी भी मुझसे बड़ी होगी, दाढ़ी भी मुझसे बड़ी होगी और माशाल्लाह सलवार भी कसम से बहुत ऊपर होगी, लगेंगे मलाइकों के भतीजे, लेकिन होंगे मलाइकों के भतीजे, खलाई मखलूक के, और आए होंगे देखने के लिए कि मखज़न में आज क्या हो रहा है। मखज़न में आज वही हो रहा है जो दर्स हज़रत शेखुल हिंद ने पढ़ाया। मखज़न में आज वही हो रहा है जो दर्स हज़रत नानोतवी ने पढ़ाया था। मखज़न में आज वही हो रहा है जो दर्स हज़रत काफ़ी ने पढ़ाया था। मखज़न में आज वही हो रहा है जो दर्स हज़रत मुफ्ती महमूद ने पढ़ाया था कि हमारे बापू ने हमें बेगैरती का दर्स नहीं पढ़ाया, हमारी माँ ने हमें बेगैरती का दूध नहीं पिलाया। ये कहते कट हो सकती है दीन के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों, मस्जिद और मदरसे के दुश्मनों, दाढ़ी और पगड़ी के दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकती। आज मकसद में ये तकबीर की सदाएं पैगाम दे रही है, हम गर्दनें कटवा देंगे लेकिन दीन और इस्लाम के दुश्मनों के सामने नहीं। मैंने कहा वो मलाइकों के भतीजे आए हैं आपको नोट करने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट में लिखें कि मकसद वाले सोए हुए थे? आप चाहते हैं? नहीं। आप चाहते हैं रिपोर्ट में लिखें कि मकसद वाले सोए हुए थे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? वो जो खड़े आप चाहते हैं? तो फिर अपनी आवाज से उनको बता दें, हम खुद सोने के लिए नहीं आए, तुम्हें सुनाने के लिए आए हैं। और इमामुल इनकिलाब, मुफक्किर इस्लाम के फर्जंद, कायद मिल्लत इस्लामी का हजरत मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस मुल्क को जिस नारे पर हासिल किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज़ करेंगे। यहाँ अमेरिका का, बरतानिया का, यहूद और अनूद का निज़ाम नहीं चलेगा। यहाँ निज़ाम चलेगा तो मोहम्मद अरबी की शरीयत का निज़ाम चलेगा। आप चाहते हैं कि यहाँ निजाम शरीयत का चले? कौन कौन चाहते हैं जरा बताएं भाई, हाथ जरा सोच समझ के उठाना, थानेदार ना देख ले भाई। इंशाल्लाह जरा धीमे आवाज में कहना कि ये एजेंसी वाले ना सुन ले भाई। वो इंशाल्लाह जरा आहिस्ता कहना कि पुलिस वाले ना सुन ले भाई। इंशाल्लाह जरा आहिस्ता कहना, कहीं कहीं वजीर आला उस्मान बज़दार तक आपकी आवाज न पहुंच जाए भाई। और फारिग-उत-तहसील होने वाले मेरे भाइयों, इंशाल्लाह जरा धीमे लहजे में कहो कि इमरान खान उनसे न जा जाए। आप मैदान में करने के लिए तैयार हैं? आप खत्म नबूवत के लिए चारपाई पर, बीवी के गोद में, अस्पताल में, रोड में। जी आप जान देने के लिए तैयार हैं? जो है जबान से बोले तो सही, पता तो चले। लाड़काना जाऊंगा तो लाड़काना वाले पूछेंगे कि यहाँ तो दरखास्ती के, यहाँ तो मुफ्ती महमूद के सियाने और मसवाने उसी तरह से हैं। मकसद वालों के हालात क्या थे? आपके जज्बात उन तक पहुँचाना चाहते हो, बतला दो उनको और अज़ियार को कि सुनो नबी की एक सफो हुर्मत पे माना, ऐन ईमान है सरे मक्तल पे उनका जिक्र करना, ऐन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारुसन से, ऐ नादा नबी के इश्क में सूली पे जाना, ऐन ईमान। क्या खत्मे नबूवत के लिए जान देने के लिए तैयार है? क्या कह रहा है? मदीने की रियासत। और अच्छे भले मेरे मौलवी भी आसमान से ऊपर जा रहे थे, पहला फरिश्ता देखा है जो मदीने की रियासत बना रहा है। पहला फरिश्ता देखा है जो मदीने की रियासत बना रहा है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा लिया तो खुदकुशी करूंगा। हाँ, कश्तोल को तोड़ूंगा। जब इक्तदार में आए लोगों ने कहा हज़रत आपने हमारी मईशत का ठेका उठाया था। आपने फरमाया था 90 दिन में मैं रोजगार दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। उन्होंने कहा था लेकिन ताकि बाहर वाले ना आए, बाहर वाले जरा रुके, पहले मैं पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करें। जी करें, कहा ऐसा करो, सबसे बेहतरीन रोजगार आपको अंडे कट्टे और मुर्गियां पालना, बेहतरीन रोजगार अंडे कट्टे। और लोगों ने कहा बदबख्त 70 साल से तो यही अंडे कट्टे मुर्गियां पाल रहे। अच्छा काम चल रहा है, ऐसा करो लंगर खाने पे आओ, लंगर खाने पे। लंगर खाना खोल रहा हूँ। वो अब्दुल्ला शाहजी पर बैठा हुआ, दाता दरबार पर बैठा हुआ, लंगर तकसीम करने वाला नाराज हुआ। उसने कहा अगर मुल्क के वजीर आज़म बनने के लिए क्राइटेरिया लंगर तकसीम करने के लिए, तुझसे बड़ा लंगर तो हम तकसीम करते हैं, फिर तू उतर हमें वजीर आज़म बना। अच्छा, इससे भी काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करो बेहतरीन नुस्खा है, भंग पियो, चक्स पियो, मस्त जियो। भंग पियो, मस्त पियो। भंगी खड़े हो गए, ये सारी जिंदगी भंग तो पिए, घबराना बिल्कुल नहीं। अगर अंडों से, कट्टों से, मुर्गियों से काम नहीं चल रहा, अगर लंगर से काम नहीं चल रहा, अगर भंग और चक्स से काम नहीं चल रहा, तो बिल्कुल नहीं घबराना। सुकून सिर्फ कब्र में है। ये वजीर आजम बनने के लायक है या पागलों वाले अस्पताल में भेजने के लायक है, मेंटल अस्पताल में भेजने के लायक है? ऐसा चूतिया वजीर आजम हमने जिंदगी में नहीं देखा। खुद भी भंगी, हमें भी भंगी बना रहा है, खुद भी चक्सी, हमें भी चक्सी बना रहा है, खुद भी लंगर खाता है, हमें भी लंगर पर लगा रहा है। फिर कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा। भाई बनाओ मदीने की रियासत। हलफ लेने खड़ा हुआ तो हलफ लेते हुए खातमुन नबी जी का लफ्ज़ न पढ़ सका। कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा, बनाओ मदीने की रियासत। पहली काबीना में 3 कायदेनियों को बतौर मुसीफ आतिफ कायदेनी के समय अपनी काबीना में लिया। कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा, बनाया मदीने की रियासत। करतारपुरा का बॉर्डर कायदेनियों के लिए खोला। कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा, बनाया मदीने की रियासत। राजा सफर हक की कमीशन रिपोर्ट साबित कर चुकी है कि सैनत में और कौमी असम्बली में खत्म नबुव्वत के कानून पर डाका डाला। तो इमरान खान के कहने पर पीटीआई के लोगों ने खत्म नबुव्वत भारत पर डाका डाला। कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा, बनाओ मदीने की रियासत। जनाब रसूलुल्लाह शाफी महशर साकी कौसर बुलंद और बाला कदर रहमत के समंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाली आपसे आप मलूना के लिए अलग किराए पर जहाज लिए। आपने रक्षा को किराए पर सुना होगा, चुमची को किराए पर सुनी होगी, टैक्सी और डाला और डाक्सन को किराए पर सुनी होगी, बस और रोज को किराए पर सुनी होगी। इस मदीने के रियासत के बानी ने, मदीने के रियासत के दावा करने वाले ने, जनाब सरवर कौनैन के शान में गुस्ताखी करने वाली आसिया मलूना के लिए जहाज किराए पर लेकर जेल के अंदर उसका पासपोर्ट बनाकर जेल के अंदर उसका वीजा बनाकर उसको अपने पाप अमेरिका की तरफ रवाना किया। लाइट में काम नहीं हुआ, बहुत दूर है लाइट है लगी। मदीने की रियासत बनाऊंगा। कायदेनी मुसन्निफ जो जेल में पड़ा था, जिसकी वीडियोस आपने देखी, उसको खुसूसी जहाज में अलग जहाज में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रवाना किया। ये मदीने की रियासत है, इसको मदीने की रियासत कहा जाता है। 10 मुहर्रम कराची में और इस्लामाबाद एक मलून ने खलीफा बिलाफस जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के शान में जबान दराज की। उस मलून को भी खुसूसी जहाज अलग किराए पर कराकर उसको पाकिस्तान से बाहर निकाला। ये मदीने की रियासत है, इसको मदीने की रियासत कहते हैं। अभी हजरत दिसंबर की 30 और 31 तारीख को ईसाइयों का क्रिसमस होता है। मेरी क्रिसमस मनाते हैं, उनकी ईद होती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ईसाइयों के क्रिसमस के मौके पर उनके चर्चों की सिक्योरिटी बराबर आर्मी ने की, फौज ने की। हमें एतराज नहीं, पाकिस्तान में बसने वाले अक्सरियत हमारे भाई, उनकी जान माल इज्जत और आबरू हमारे जिम्मे है कि हम उनकी हिफाजत करें। हमें खुशी है अकलियत सिक्योरिटी आर्मी करे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक तरफ मदीने की रियासत में चर्चों की सिक्योरिटी आर्मी कर रही है, तो दूसरे तरफ एक रात में बाबुल इस्लाम सिंध में 19 मस्जिदों को पेटों से लगाकर सही एक बात में चर्च तो महफूज है, मस्जिद महफूज है, कायदानी महफूज है, खत्मे नबूवत का कानून महफूज नहीं, सहाबा के गुस्ताख महफूज है, अजमते सहाबा महफूज है। आज कायदानियत परवान चढ़ रही है, आज खत्मे नबूवत का कानून दांव पर है, आज मस्जिद ताव पर है। सिर्फ एक शहर इस्लामाबाद में मंदिरों की तामीर पर 32 करोड़ रुपए कौमी खजाने से जारी किए गए हैं कि 32 करोड़ रुपए इस्लामाबाद में मंदिरों की तामीर पर खर्च हुआ। आप दोनों की तवज्जो मुझे चाहिए, साहिबजादों की। साहिबजादे ठीक हो जाएंगे, सारा मामला ठीक हो जाएगा। और आप साहिबजादों को मैदान में उतरना है, बड़ों के मशन को आपने उठाना है। अब हमारे नींद के दिन चले गए, अब हमारे दिन ये हैं कि इस मशन पर चलते हुए अगर मौत आ गई, अल्लाह की कसम शहादत की मौत होगी, शहादत की मौत। एक तरफ खानपुर वाले, एक तरफ गरीब का जीना दोबर किया गया, एक तरफ आम आदमी दो वक्त तक खाना नहीं खा सकता, मजदूर पूरा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को घर लौटता है तो सोचता है आलू खरीदूं या टमाटर खरीदूं, आटा खरीदूं या चावल खरीदूं। तनख्वाह मुलाजिम पूरा महीना कमाने के बाद ये सोचता है कि महीने के आखिर में तनख्वाह मिलेगी, बच्चों की स्कूल की फीस भरूंगा, माँ बाप की दवाइयां खरीदूंगा या घर में बिजली और गैस के बिल। आज आम आदमी आलू नहीं खरीद सकता, चावल नहीं खरीद सकता। एक तरफ आम आदमी की जिंदगी अजीरन है, एक तरफ कश्मीर को बेचा गया, एक तरफ हम खित्ते में नाकाम हार गए, दाखिला पॉलिसी की वजह से तन्हाई का शिकार है। एक तरफ हम नाकाम दाखिला और खारजा पॉलिसी की वजह से अपने देश को, चाइना को, सऊदी अरब को, ईरान को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, तुर्की को नाराज कर बैठे हैं। और दूसरी तरफ हम खत्म नबूवत के कानून पर हमले होते हुए अपने आंखों से देख रहे, नामों से सहाबा के इज्जत पर हमले होते हुए देख रहे, मस्जिद और मदारिस को बेदों से ढकते हुए देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ 4-4 साल की मासूम बच्चियां 15-15 दिन तक दरिंदों की जिना और फहश का निशान। इन पिछले 15 दिनों मेरे सुबह सिंध, पिछले 15 दिनों 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, गैंग रेप 8-8, 10-10 अफराद ने मिलकर उनकी इज्जत और नामोस मदरसे खत्म बहारी की तकरीब में बावजूद मुझे एक शख्स ने बताया, और मुझे नहीं पता कि ये बात मैं माइक पर करूं या ना करूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि एक अयाशी की महफिल सजाई गई, कुछ नौजवान और अपनी जिन्स की तस्कीन के लिए कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को मंगाया। एक लड़की जब आई, एक बूढ़ा शख्स उसको छोड़ने के लिए आया। जब उसने पैसे वसूल किए और वो लड़की उनके हवाले की, लड़की के आंखों में भी आंसू थे, आग जारी थे, तो बूढ़े के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे खुद बताया, अल्लाह की कसम, कहा कि जब हमने पूछा क्यों रो रहे हो, लड़की ने कहा ये जो शख्स मुझे छोड़ के आया है ये बदकिस्मत बाप है और मैं उसकी बदकिस्मत बेटी हूँ। तो पिछले 15-20 दिनों से घर में खाने के लिए कुछ नहीं, वाकई में मजबूर किया है बच्ची के हिस्से को बेच। खानपुर वालों, मेरा अंदाज जज्बाती जरूर हो सकता है, काश आप मेरे सीने को चाक करके देख सकते हैं। मैं आज आपके दिल के दरवाजे को दस्तक देने के लिए आया हूं, आज आपके सोए हुए समीरों को जगाने के लिए आया हूं, आज आपके अंदर के इंसान को जगाने के लिए आया हूं। खुदा की कसम, हम इतना की जंग नहीं लड़ रहे, खुदा की कसम हम सरकारी और नवाज शरीफ की जंग नहीं लड़ रहे। और हजरत मुझे कहने दीजिए कि वाकई सिपाही को जमीयत उलमा इस्लाम खिराज अकीदत पेश करती है। और मैंने कायद में फरमाया था कि पाकिस्तान के लिए अगर चांद की जरूरत पड़ी तो ये पेट साथ वाले डूबते हुए नजर नहीं आएंगे। अफवाज पाकिस्तान के साथ पर्दे पर खड़े होकर मुल्क के लिए सालों बरसाना लड़ेंगे तो जमीयत के ये अबाबी सरों से कफनदार करेंगे। फौज हमारा, हम फौज के, फौज हमारा इरादा है। हम फौज को कदर की निगाह से देखते हैं, फौज की खिदमत को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। लड़ाई सिर्फ इतनी है, आप अपने हुदूद में काम करें, हम अपने हुदूद में काम करें। आप अपने हुदूद से बाहर न निकले, हम अपने हुदूद से बाहर नहीं निकले। आप अपने बॉर्डर पर खड़े होकर हमें बुलाए, हम आपके शाना बशाना लड़ेंगे, लेकिन पार्लियामान संभालना आपका काम नहीं। पार्लियामान संभालना मुफ्ती महमूद के फैसल फैसल रहा। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम। हमने सरदारी की जंग लड़ रहे हैं, हमने नवाज शरीफ की जंग लड़ रहे हैं। अगर वाकई मौलाना को सरदारी को बचाना होगा, एस्टेब्लिशमेंट से पंगे की जरूरत ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, सांप के पनों में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे फोन कर रहे थे कि बेटा राशिद, इस मरतबा सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं करना, बिलावल का मुकाबला नहीं करना। मैं बैठ जाता, मुकाबला तो मैंने किया। मुझे फोन कर देते नवाब साहब ने सरदारी का मुकाबला नहीं करना, मैं जमीयत के आदमी को बिठा देता। मुझे कहते कि यारी ने बिलावल का मुकाबला नहीं करना, बैठ जाते। मौलाना अताउर रहमान को फोन करते कि असद यार वली का, आफ्ताब शेरपुर का मुकाबला नहीं करना, वो आदमी बिठा देते। मौलाना सलाउद्दीन अयूबी को फोन करते महमूद खान चकसई का मुकाबला नहीं करना, बैठ जाता। इतने बड़े पंगे लेने की, तहरीक में चलने की जरूरत क्या थी? हमने तो मुकाबला किया, हम तो उनके खिलाफ मैदान में लड़े। आपने हमें कबूल नहीं किया, उनको कबूल किया। सवाल हमसे नहीं बनता, सवाल आपसे बनता है कि जब हम इंकलाब के लिए मैदान में खड़े थे, हम इलेक्शन में खड़े थे, आप किस तरफ आके कहां चले गए थे? सवाल तो आपसे, सवाल मुझसे नहीं, सवाल आपसे है। इलेक्शन वाले दिन आपने मौलवी को मुस्तरद किया, बगैर खान और नवाब और सरदार के मुकाबले में आपने मौलवी के मुकाबले में खान को कबूल किया, सरदार को कबूल किया, नवाब को कबूल किया, मौलवी को मुस्तरद किया। फिर सवाल मुझसे नहीं बनता कि इंकलाब कब आएगा, सवाल आपसे बनता है कि आप खान को कब छोड़ेंगे, नवाब को कब छोड़ेंगे, सरदार को कब छोड़ेंगे, आप शेखुल हिंद के वारिस पर एतमाद कब करेंगे? आप एक मरतबा मौलवी को लाएं, एक मरतबा मौलवी को इख्तियार दें, फिर खत्म नबूवत पर डाके गए, हम जिम्मेदार। फिर नामोश सहाबा पर डाके गए, हम जिम्मेदार। फिर करतारपुरा का बॉर्डर का देने चले खुले, हम जिम्मेदार। हजरत, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, तहज्जुद पे उठ उठ के, या अल्लाह मौलाना की मदद करना। अच्छी बात है, हम आपके शुक्रगुजार। और आमिर साहब से बात करता हूं, अभी हो गया 5 मिनट। हजरत, हम तो दुआ करते हैं उठ उठ के, या अल्लाह मौलाना की मदद करना। अच्छी बात है, हम आपके शुक्रगुजार। लेकिन फिर तहज्जुद में जब उठते हैं तो ये भी दुआ किया करें ना, या अल्लाह आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा, जमीन में गंदम खुद ब खुद उग जाए। आज खेती का मूड नहीं, चावल खुद ब खुद उग जाए। तहज्जुद पढ़ोगे, दुआ करोगे, या अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देना, जमीन से फसल अच्छी लेना। फिर उठोगे, चादर कंधे पे रखोगे, सीधे जमीन पर जाओगे, रोजा है नहीं देखोगे, नहीं है नहीं देखोगे, सर्दी है गर्मी है, मौसम सख्त है मौसम सर्द है, नहीं देखोगे, जाकर हल चलाओगे, पानी डालोगे, बीज डालोगे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुआ की, सुनो सुनो तवज्जो, दुआ की, दुआ के बाद जमीन पर गए, चावल उगाए, गन्ना उगाई, अब आपकी भूख मिट जाएगी? बोलो यार, नहीं। बोलो यार, नहीं। जो सोए हुए हैं वो जरा जोर से बोले। फिर क्या करोगे? गन्ना उठाओगे, चावल उठाओगे और जाकर चक्की से पिसवाओगे, घर आओगे, फिर दुआ करो, यार आज बीवी बीमार है, खाना नहीं पकाएगी, मेरे पेट को भर दे। भरेगा पेट? डंडा उठाओगे बीवी पे, मैं चावल लाया हूँ, आटा लाया हूँ, बना रोटी, चलो उसने रोटी बना दी, आपके लिए सालन बना दिया। अब आप बैठे, या अल्लाह मेहरबानी कर दे, बहुत भूख लगी है, या अल्लाह पेट भर दे, या अल्लाह पेट भर दे, या अल्लाह। आवाज आएगी, ये हाथ क्यों दिए हैं, कमबख्त ये दांत क्यों दिए हैं, निवाला तोड़ना, मुँह में डालना, एक लुकमे के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक लुकमे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो खान पर डालो, अगर एक लुकमा मेहनत के बगैर पेट में नहीं जा सकता तो इंकिलाब भी मेहनत के बगैर घर बैठे हुए नहीं आएगा। इंकिलाब के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा, सरों से कफन बांधने पड़ेंगे, अकाबिर उलमा के क़यादत पर एतमाद कहते हुए, तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए, ऐवान के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, जमहूरियत के जरिए इस मुल्क को जिस नारे पर हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के लिए मेहनत और जद्दोजहद कर। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरे गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज हैं। हम सरदारी को बचाने निकले हैं, हम नवाज शरीफ को बचाने निकले हैं, अल्लाह की कसम हम पाकिस्तान की जंग लड़ने निकले हैं, कश्मीर की जंग लड़ने निकले हैं, गरीबों मिस्किनों हारियों मजदूरों की जंग लड़ने निकले हैं, खतरे नबूवत की जंग लड़ने निकले हैं, नामों से सहाबा की जंग लड़ने निकले हैं, दाढ़ी पगड़ी मस्जिद मदरसे की जंग लड़ने निकले हैं। और आज आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मैदान में मौलाना फजल रहमान को अकेला छोड़ोगे या आप मौलाना के शाना बशाना चलोगे? जो चलेंगे वो खड़े होकर वादा करेंगे। जो मौलाना के साथ चलेंगे झूठा वादा कोई न करे, रास्ता मुश्किल है। जवाब दो, रास्ता मुश्किल है, चलोगे? जो चलेंगे उनकी आवाज मौलाना तक जानी चाहिए। आप मेरी तरफ से अपनी आवाज पहुंचाए, क्या रास्ता मुश्किल है, चलेंगे? जाने देना पड़ेगी, दोगे? सरों से कफन बांधना पड़ेगा, बांधोगे? बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे, करोगे? पाकिस्तान के लिए निकलोगे, इस्लाम के लिए निकलोगे, खत्मे नबूवत के लिए निकलोगे, नाम से सहाबा के लिए निकलोगे, अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निजाम के लिए। 26 तारीख को मौलाना ने 26 मार्च को इस्लामाबाद बुलाया है, कौन कौन चलेगा? 26 मार्च को इस्लामाबाद मौलाना ने बुलाया है, कौन कौन चलेंगे? आप बुलाना 26 मार्च को इस्लामाबाद चलेंगे? जो जो चलेंगे हाथ खड़ा करें, मैं देखूं। आप सब चलेंगे 26 मार्च को? और इस मरतबा खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कठपुतली हुक्मरानों के इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर लौटेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर। एक मरतबा फिर खानवादे हज़रत की दरख्वास्ती का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।